लेकिन शिनाद ऋषि की जो आयु थी वो बिल्कुल असंभव पुत्र प्राप्त करने में, लेकिन फिर भी माता पार्वती उन्हें वरदान दे देती हैं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ समय के लिए जो भी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा वो अल्प आयु होगा। और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कृपा से श्रीनाथ ऋषि के यहाँ एक पुत्र होता है और उसका नाम नंदी होता है। जैसे ही नंदी महाराज का जन्म हुआ और थोड़ी सी आयु बढ़ी, उन्हें पता चलता है कि मेरी उम्र चंद दिनों की है, अल्प आयु। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं ऐसे जीवन का क्या करूंगा जो पूर्ण भी ना हो और आपकी भक्ति भी ना हो। श्रीनाथ ऋषि का पुत्र नंदी भुवन नदी के किनार पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने निकल जाते हैं। आइए यही कथा सुनाने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे। कहना है संग रहने का वरदान। आज नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन है, तो देखिए प्रार्थना करते हैं क्या होता है। कहा प्रभु मैं ऐसे जन्म का क्या करूंगा जो पूरा भी ना हो, तो देखिए क्या होता है। देखा है कि मैं तुम्हारी भक्ति में
लीन होकर तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या घनघोर कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। क्या ये अर्जी बात की बोले जरा कबूल कर लो, फंसा उलझन में हूं दादा ये मुश्किल दूर, फंसा उलझन में हूँ दादा ये मुश्किल दूर कर लो। कहा ये नंदी बेचैन, ये नंदी बेचैन है अब दर्द के लिए, तो देखिए क्या होता है। और भाग्य
की भक्ति को देखा भगवान भोलेनाथ खुश हो गए और दर्श दे दिए, चले आए हैं, दौड़े चले आए हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या हो जब कोई मन से बुलाए तो मन हर जाए, तो बोले तोड़े चले आए। वाह, तो बोले तोड़े चले आए। भक्तों की सुन के पुकार करते हैं भोले उपकार, हर हर शंभु हो तरस दो शंभु 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 महादेवा, तरस दो शंभु 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 महादेवा, शंभु शंभु महादेवा, शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेवा। ओ तुमको पुकारो रहे निहारो, समय समय समाप्त। जय हो।